उस निर्णय से मैं तो ये कहूँगी मेरा मातृ हृदय जो है वो आज आनंद से प्रफुल्लित है, क्योंकि कोर्ट ने राम लला का अधिकार मान लिया बच्चे का। तो अगर एक बच्चे को जहाँ उसका जन्म हुआ है वो जन्म का स्थान उसको मिलता है, अधिकार मिलता है, तो माँ को जो आनंद होता है वो एक प्रकार से क्योंकि राम लला का ये अधिकार है। और इसलिए एक संतुलित निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत संतुलित निर्णय है, और मुझे ऐसा लगता है उस संतुलित निर्णय का हम सभी ने संयम से संतुलित मन से इसको अंगीकार करना चाहिए, शांत भाव से। जैसा एक माँ को जो आनंद होता है वो आज सभी जनमानस को, सभी को होना चाहिए। और मैं इसलिए ये कहूँगी कि आनंद का क्षण तो है, मगर जैसे जन्म का आनंद भी हम लेते हैं वो कोई माँ उछल कूद तो नहीं करती है उस समय, मगर मन में संतोष उसको होता है, घर के लोगों को भी संतोष होता है उस इससे कि इससे पार हो गए। तो इस दृष्टि से मैं कहूँगी कि ये संतुलित निर्णय है, दूसरे पक्ष को भी जो बात हुई है ज़मीन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो मेरा कहना ये संतुलित संयमित निर्णय का सभी लोगों ने संयमित तरीके से ही इस निर्णय को लेना चाहिए, और शांत भाव से अपने घर में बैठ के एक नंदादीप जला करके भी उसका जैसा आनंद लिया जाता है वैसा लेना चाहिए।